हेलो एवरीबॉडी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू यस माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हो बेटा आप लोग मैं बिल्कुल अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत बहुत अच्छे हो गे. तो भाई आप लोग के इंतजार की घड़ी खत्म हुई आज के क्लास में बेटा हम लोग सीएसईटी का लेटेस्ट ई बुलेटिन सेप्टेम्बर और अक्टूबर दोनों का दोनों ही बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या आप सभी रेडी हो यस और यस आप लोग बेटा रेडी हो अगर रेडी हो तो भाई जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दे दो एम आई ऑडिबल एंड विजुअल टू और नॉट यस जल्दी से बेटा एक बार कंफर्म करो मेरी आवाज आ रही है बेटा यस yes, खुशी बेटा क्या बोलना चाह रहे हो बेटा प्लीज से वेल बेटा ये जो टेस्ट सीरीज वाला है ये स्टाफ बेटा हैंडल करता है मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है बेटा एक्सट्रीमली सॉरी डियर वेल well, जल्दी से बेटा एक बार कंफर्म कर दो मेरी आवाज आप लोग को आ रही है एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू और नॉट यस जल्दी से कंफर्म करो बेटा सो so दैट आज का सेशन स्टार्ट किया जाए रानी बेटा बेटर होगा एक बार आप ऑफिस में मेल डाल दो यस yes, आप एक बार ऑफिस में एक बार फोन कर लो या फिर मेल डाल दो चलो ओके okay. यस yes, अरे भाई फटाफट -फड़ कंफर्मेशन करो और यस yes, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और भाई, क्लास आप करने करो यस ताकि मैं भी एनर्जेटिक हो जाऊं और ज्यादा चार्ज हो यस डियर yes, बैटरी जब डाउन होता है तो चार्ज करना पड़ता है तो आप लोग कंजूसी मत किया करो बेटा लव यू ऑल गाइज लव यू चलो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्या मेरे सभी बच्चे रेडी हैं यस आर यू रेडी डियर आर यू रेडी जल्दी से कंफर्म करो बेटा देखो बेटा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हम लोग का लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट हो रहा है बेटा देखो क्या बोल रहा है 295 पेंस आर डिवाइडेड अमंग सम बॉयज एंड गर्ल्स हुज टोटल नंबर इज 50 बोल रहा है क्या कि टोटल नंबर ऑफ पेंस 295 है और बॉयज और गर्ल की संख्या भी कुल मिलाकर 50 है अगर हर एक लड़के को पांच पेन मिलता है और हर एक लड़की को एट पेन मिल रहा है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? ध्यान देना बेटा अगर हम ऑप्शन ए को अपना आंसर मानते हैं तो देखो चेक कैसे करेंगे गर्ल्स कितनी है पंद्रह हर एक गर्ल्स को कितने पेन मिल रहा है एट तो पहले फिफ्टीन इंटू एट दिस इज is equals to 120 अब एक बात बताओ कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं 50 अगर गर्ल्स 15 हैं तो बॉयज कितने बचे हैं 35 हर एक बॉयज को कितना पेन मिल रहा है 5 दिस इनटू 5 175 ऐड करके देखो क्या ये 120 और 175 मिलके 295 हो रहा है यस yes, बिल्कुल हो रहा है सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ईमानदारी से सच सच बताना बेटा कि क्वेश्चन नंबर 53 आसानी से बन गया कि नहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी यस yes, जल्दी से बच्चे रिप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 53 क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया वेरी गुड चलो बहुत सुंदर जल्दी से 54 में आ जाते हैं राहुल एंड संजय आर द सन ऑफ सिस्टर ऑफ मुकेश राहुल और संजय मुकेश की बहन के बेटे हैं तो भाई सबसे पहले मुकेश मुकेश की बहन उसका बेटा राहुल एंड संजय आर द सन ऑफ सिस्टर ऑफ मुकेश ऑफ सिस्टर ऑफ मुकेश मुकेश की बहन के बच्चे हैं कौन राहुल एंड संजय राहुल एंड संजय हाउ इज द ओनली सन ऑफ मुकेश रिलेटेड टू संजय भाई मुकेश का एकमात्र बेटा मान लिए एक्स है अब एक बात बताओ कि मुकेश का जो बेटा है उसका और संजय के साथ में क्या रिश्ता है जल्दी से बताओ बेटा क्या रिश्ता है यस yes. कजन है बेटा सच सच बताना बेटा 54 भी समझ में आ गया क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि राहुल और संजय मुकेश की बहन ध्यान से सुनना राहुल एंड संजय आर द सन ऑफ सिस्टर ऑफ मुकेश राहुल और संजय मुकेश की बहन के बच्चे हैं हाउ इज द ओनली सन ऑफ मुकेश तो मुकेश का एकमात्र बेटा संजय का कौन होगा कजन होगा जल्दी से 55, सेम टू सेम नंबर 53 की तरह तो स्टार्ट विथ ऑप्शन ए लड़कियों को सेवन ऑरेंजेस मिल रहा है सो तो 15 इंटू सेवन प्लस थर्टी फाइव इंटू फाइव देखो तो टोटल कितना हो रहा है yes, this is to 280. आ रहा है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए देखो बेटा कितना आसानी से एक एक सम बन रहा है आई होप सारे के सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे सभी बच्चों को एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा सम नंबर 56, यस yes, पूरा 30 सेकंड का टाइम देता हूं भाई ये बताओ कि इनमें से कौन सा एक वर्ड ऐसा है चूज द वर्ड विच इज नॉट सिमिलर टू अदर वर्ड इन द ग्रुप जो कि बाकी सबसे भिन्न है जल्दी से बताओ बेटा यस सम नंबर 56 थर्टी सेकेंड का टाइम दे रहा हूं बेटा जल्दी से ये बताओ कि भाई इनमें से ऑड वन कौन सा है कई सारे क्वेश्चन बेटा इस तरह का मैंने प्रैक्टिस करवाया है आप लोग को क्लास में भी रिवीजन सीरीज के अंदर भी तो आज बेटा इसका आंसर आपको जल्दी से दे दो जल्दी से दे दो बहुत सुंदर वेरी गुड यस सीपी इज द करेक्ट आंसर सीपीयू बेटा करेक्ट आंसर है जो बाकी सबसे भिन्न है सम नंबर 57 में तो बस गच्चा खा जाओगे बेटा चक्कर आने लगेगा जरा जल्दी से इसका भी आंसर बता दो बेटा कि कप मग ग्लास और जग में ऑड वन क्या है कप मग ग्लास और जग में बेटा ऑड वन क्या है वेरी गुड प्रिया बेटा बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा कि सीपीयू को छोड़ के बाकी सभी के सभी इनपुट डिवाइस है दैट इज कीबोर्ड, माउस एंड डिजिटल पेन तो ऑड वन बेटा सीपीयू है क्या बात है बेटा वेरी गुड जग इज द करेक्ट आंसर कप मग और ग्लास में बेटा हम लोग कोई भी लिक्विड चीज पीते हैं जग से बेटा हम लोग लिक्विड चीज को डालते हैं पीते नहीं है सम नंबर 58 एक करेक्ट क्लॉक सुबह 10 बजे जो टाइम शो कर रहा है ये बताओ थ्रू हाउ मेनी डिग्री विल द आवर हैंड रोटेट वेन द क्लॉक इन द आफ्टरनून सुबह के दस बजे जो क्लॉक है वही क्लॉक दिन के चार बजे कितने डिग्री का एंगल शो करेगा तो सिंपल सुबह दस बजे से लेकर चार बजे के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है टोटल सिक्स आवर का डिफरेंस आ रहा है हमको पता है कि वन आवर पे एंगल थर्टी डिग्री का बनता है तो सिक्स आवर में क्या होगा सिंपल इज इज डिग्री सो डी आंसर ऑप्शन सच बताना बेटा बहुत इजी है कि नहीं फिफ्टी नाइन सेम टू सेम सुबह ग्यारह से लेकर शाम के सात के बीच में आठ घंटे का डिफरेंस होता है सो एट इंटू थर्टी एंड द आंसर इज टू फोर्टी डिग्री चेक कर लो भाई आंसर टू फोर्टी डिग्री आ रहा है यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जल्दी से सब नंबर 60 में आ जाओ ए बी सी एक गैप करके डी को छोड़ के ई e, एफ जी एच को छोड़ के आई जे के एल को छोड़ के एम एन ओ तो पी को छोड़ के क्यू आर एस दिस इज द आंसर सर सच बताना बेटा अप टू सिक्सटी तक हम लोगों ने सारे सम बना लिए मजा आ रहा है कि नहीं और इजी है कि नहीं यस yes, एक एक क्वेश्चन बेटा इजी है कि नहीं है बेटा सिक्सटी वन बोल रहा है कि भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ट्वेल्व है ट्वेंटी फाइव है क्वेश्चन मार्क वन जीरो थ्री टू जीरो सेवन सिंपल ट्वेल्व इंटू टू प्लस वन That is 25. अब ये जो है ट्वेंटी फाइव इंटू टू प्लस वन फिफ्टी वन चेक कर लो क्या फिफ्टी वन इंटू टू प्लस वन वन जीरो वन जीरो थ्री इंटू टू प्लस वन क्या टू जीरो सेवन हो रहा है इटमीन्स yes, तो यहां पर जो गिवेन नंबर है इंटू टू प्लस वन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 51 होगा सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सर सर बताना बेटा कि ये भी अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं अगर क्लियर है तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 62। टू फटाफट -पड़ बताओ भाई मीनिंग सीक्वेंस में जो गिवन वर्ड है उसको अरेंज करिए ट्री, चेयर लॉक्स wood हम सबको पता है बेटा कि ट्री को काट के सबसे पहले लॉक्स तैयार किया जाता है लॉक को हम लोग फिर वुड फॉर्म करते हैं उससे और वुड से क्या बनता है चेयर बनता है तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ट्री है वन लॉग है थ्री वुड है फोर और चेयर है टू सो तो द करेक्ट क्वेंस इज वन थ्री फोर टू दट इज ऑप्शन ए सच सच बताना बेटा ये वाला भी अच्छे से समझ में आ गया इन अगफुल सिक्वेंस फ्रॉम हायर कोर्ट टू सब ऑर्डिनेट कोर्ट हायर कोर्ट से सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर जो सीक्वेंस होता है ऊपर से नीचे का वो बताना है बेटा वो हमको बताना है तो भाई जल्दी से आंसर बोलो क्या होगा सबसे ऊपर में बेटा सुप्रीम कोर्ट होता है उसके बाद बेटा हाई कोर्ट होता है इसके बाद बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद बेटा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है दैट इज फोर टू वन थ्री फाइव इसका भी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 63 देख लो और अगर 63 हो गया है तो फटाफट 64 नंबर सम फटाफट फटाफट नंबर सम नंबर 30 सेकेंड का टाइम देता हूं जल्दी से बनाओ बेटा इसको जल्दी से बनाओ अरेंज द वर्ड गिवेन बिलो इन मीनिंग फुल सिक्वेंस एग्जाम में मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा तो इन सभी चैप्टर्स को एकदम अच्छे से दिल दिमाग में बैठा लो सीड है फ्रूट है ट्री है और प्लांट दिया हुआ है तो देखो बेटा हम सबको पता है कि सबसे पहले हम लोग सीड हम लोग जमीन में लगाते हैं ये सीड जो है बेटा प्लांट के रूप में कन्वर्ट होता है सीड से प्लांट बनता है ये प्लांट बड़ा होके ट्री के रूप में कन्वर्ट होता है और इस ट्री से हमको फ्रूट्स मिलता है तो सीड प्लांट ट्री फ्रूट्स सीड प्लांट ट्री फ्रूट्स दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सच सच बताना बेटा एक एक सम आसानी से बन रहा है कि नहीं बेटा सीए का मैराथन आज पार्ट वन दो से कंप्लीट हो गया उसके बाद बेटा से आप लोग का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं देखो सम नंबर सिक्सटी फाइव भी बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है बोल रहा है मैन सेट टू अ लेडी एक बंदा एक लेडी को बोल रहा है योर सन इज द नेफ्यू ऑफ माई ओनली ब्रदर मतलब ये मैन है ये मैन का एकमात्र भाई है और ये लेडी है लेडी की ये लड़का है सॉरी लेडी का ये लड़का है क्या बोला है मैन लेडी से योर सन इज द नेफ्यू ऑफ माय ओनली ब्रदर ये मैन इस लेडी को बोल रहा है कि तुम्हारा बेटा मेरे एकमात्र भाई का कौन है भतीजा है वट इज द लेडी टू द मैन भाई लेडी और मैन का रिश्ता क्या है बड़ा पवित्र रिश्ता है बेटा बहुत पवित्र रिश्ता है बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा वाइफ है बेटा वो लेडी मैन की मैन की वाइफ है वो लेडी चलो इसी खुशी में सम नंबर सिक्सटी सिक्स संजय को कोड किया जा रहा है एस के बाद टी ए के बाद बी एन के बाद ओ जे के बाद के ए के बाद बी वाई के बाद जेड मतलब ठीक एक लेटर बाद तो आर के बाद एस ओ के बाद जी के बाद यस yes, जल्दी बोलो जी के बाद एच ई e के बाद डी आर के बाद एस सो एस पी एच डी एस एस पी एच सॉरी ई e के बाद एफ आता है बेटा सॉरी सो एस पी एच एफ एस इज द करेक्ट आंसर क्या बात है क्या बात है 67 देख लो ए बी ई एफ आई जे एम एन ए बी के बाद सी और डी गैप करके ई e, एफ अब एफ के बाद दो गैप कर रहे हैं जी और एच तो आई जे जे के बाद दो गैप कर रहे के और एल तो एम एन एन के बाद दो गैप कर दो ओ पी को गैप करके क्या आ रहा है क्यू आर तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी सच सच बताना बेटा मजा आ रहा है कि नहीं और एक, एक सम अच्छे से बन रहा है कि नहीं चलो 67 के बाद जल्दी से 68 में देखो बेटा इन अ कोड लैंग्वेज ए इज रिटेन एज बी बी इज रिटेन एज सी सी इज रिटेन एज डी एंड सो ऑन मतलब ए के ए को उसके बाद वाला लेटर से बी को उसके बाद वाला लेटर से सी को उसके बाद वाला लेटर से सिमिलरली डी को उसके बाद वाला लेटर लाइक ई e, Y को उसके बाद वाला लेटर लाइक Z इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो कब को क्या लिखोगे तो सी के बाद वाला लेटर डी यू के बाद वाला वी पी के बाद वाला क्यू तो आंसर डीवी क्यू डी क्यू देट इज ऑप्शन ए सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जल्दी से 69, 10 सेकंड, 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं जल्दी से 69 देखो खुद से ट्राई करो 69 में बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड बैक इज रिटन एट दिस देखो B हमारा इंग्लिश का सेकंड लेटर है ए हमारा इंग्लिश का फर्स्ट लेटर है सी हमारा इंग्लिश का थर्ड लेटर है और के हमारा इंग्लिश अल्फाबेट का जल्दी से देखो बेटा एलेवेंथ लेटर है तो टॉप्स को क्या लिखेंगे तो टी हमारा इंग्लिश अल्फाबेट में बेटा कौन सा लेटर होता है 20th ओ कौन सा है 15 और पी कौन सा है 16 तो देखो बेटा 20 15 16 20 15 16 दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सच सच ईमानदारी से बोलना बेटा क्वेश्चन नंबर 69 भी अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं यस yes, क्लियर है बेटा तो जल्दी से बुलेटिन e सितंबर 2021 का लास्ट सम हम लोग कर रहे हैं कीबोर्ड बोर्ड को क्या बोला जा रहा है सन वाटर को एयर कप को पेंसिल क्लाउड को स्काई और सी को मरकरी तो ये बताओ वेयर डज फिश स्विम फिश कहां स्विम करता है वाटर में और वाटर को बेटा यहां क्या बोला जा रहा है एयर तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी ईमानदारी से सच सच बताना बेटा एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया यस yes, एक एक क्वेश्चन बेटा अच्छे से क्लियर हो गया चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर अरे बेटा मरकरी ऑप्शन दिया हुआ है क्या यस फिश बेटा आप बोल रहे हो कि सी में रहता है वाटर में नहीं रहता है तो अगर सी होता बेटा तो मरकरी होना चाहिए था ना मरकरी ऑप्शन में है नहीं बेटा चलो बहुत सुंदर अब जल्दी से हम लोग अक्टूबर वाले में आ जाते हैं ई बुलेटिन लॉजिकल रीजनिंग अक्टूबर 2021 अक्टूबर 2021 देख लो बेटा एक बार यस लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग बेटा यहां पे सम नंबर 54 से स्टार्ट है हम लोग का लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन अक्टूबर 2021 ई बुलेटिन बेटा सम नंबर 54 से स्टार्ट हो रहा है देखो बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सम नंबर 54 बोल रहा है टू डे मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बिकम तो सिंपल बेटा 61 को 7 से पहले डिवाइड करो रिमाइंडर कितना आ रहा है फाइव इट मीन आज अगर मंडे है तो आज से 61 डेज बाद कौन सा दिन होगा तो so मंडे में ये जो फाइव रिमाइंडर है इसको ऐड कर दो तो मंडे प्लस फाइव क्या होगा इट्स सैटरडे सो द करेक्ट आंसर इज सैटरडे सैटरडे दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर चलो 54 के बाद 55। थर्टी सेकेंड का केवल टाइम दे रहा हूं भाई जल्दी से फटाफट इसको भी बना डालो थर्टी सेकेंड का टाइम दे रहा हूं जल्दी से फटाफट इसको भी बना डालो देखो बेटा 55 क्या बोल रहा है बेटा इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज थर्सडे वेन विल संडे बी सिंपल सा बात है बेटा बोल रहा है इफ द डे बिफोर यस्टरडे ध्यान देना बेटा मान लिए कि सटरडे है ये तो यस्टरडे क्या होगा फ्राइडे और फ्राइडे का डे बिफोर क्या होगा थर्सडे बोल रहा है इफ द डी इफ द डे बिफोर यस्टरडे मतलब यस्टरडे के बाद वाला दिन अगर थर्सडे है वेन विल संडे भी तो सिंपल आज सैटरडे है तो संडे कब होगा टुमोरो तो आंसर हो जाएगा टुमारो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आज के दिन के एक दिन पहले से एक दिन पहले वाला दिन थर्सडे अगर है तो संडे कब होगा तो सिंपल सैटरडे अगर आज है तो संडे टुमोरो ही होगा 55 क्लियर हो गया 56 मुझे आशा है कि बच्चे बना लेंगे नाइन ओ और थ्री ओ का डिफरेंस का तो एंगल क्या होगा थर्टी इंटू सिक्स बताना बेटा बहुत इजी है कि नहीं सत yes, सद बताना बेटा बहुत इजी है कि नहीं अरुणा का रैंक क्लास में ट्वेल्थ है फोर्टी सिक्स बच्चों में ये ट्वेल्थ रैंक है टोटल बच्चे फोर्टी सिक्स है तो बोल रहा है व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट सिंपल अगर टॉप से ट्वेल्थ पे है तो लास्ट से कितना हो जाएगा टोटल से इसको माइनस करेंगे चूंकि टॉप और लास्ट दोनों में ये कॉमन आएगी तो वन ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा थर्टी फिफ्थ सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी समर फिफ्टी सेवन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 58 बोल रहा है डॉग को लायन लायन को बीसन बीसन को स्नेक और स्नेक को मंगूस बोल रहा है, मंगूस को क्रोकोडाइल तो ये बोलो कि इनमें से कौन ऐसा है जिसको हम लोग पेट रीड करेंगे हम सबको पता है बेटा कि डॉग जो होता है वो पेट एनिमल होता है इन सब में और डॉग को यहाँ पे बेटा लायन बोला जा रहा है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 58 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आई होप 58 भी समझ में आ गया 59 ऑलरेडी तीन तीन बार करवाए हैं रैप मैप हॉट फन तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा आंसर होगा कैट दो वॉवल दो कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल दो कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल सब में यही है एकमात्र कैट हैन, एच एन ई एस टी एन पीजी ऑप्शन ए ही ऐसा है जो दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवल कंटेन किया है सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जल्दी से 59 के बाद 60 नंबर चूज द वर्ड विच इज नॉट सिमिलर टू अदर वर्ड इन द ग्रुप बेटा बहुत है थोड़ा दिमाग लगाना अपने आप हो जाएगा जल्दी से सब नंबर सिक्सटी फटाफट यस नंबर सिक्सटी जल्दी से बनाओ बेटा अरे इन सब में आप एक बात बताओ ना ऑड वन कौन सा है देखो बेटा बाइक कार और स्कूटर इन सबको चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है एकमात्र साइकिल ऐसा है जो बिना फ्यूल के चलता है तो करेक्ट आंसर होगा साइकिल दैट इज ऑप्शन ए अभी नोटिस करना बेटा कुछ लोग इसको ऐसे भी जवाब दे सकता है कि साइकिल बाइक और स्कूटर ये सभी टू व्हीलर है कार फोर व्हीलर होता है तो कई जगह पे बेटा कार भी आंसर इसको कर देता है लो बट हियर हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो साइकिल को बेटा आंसर बोला है तो हम लोग साइकिल ही बोलेंगे चलो नंबर देखो बेटा करण सेज रॉकी मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर सिंपल सा बात है करन क्या बोलता है कि रॉकी की, तो की एकमात्र बेटी रॉकी की मम्मी है करण सेज करण बोलता है रॉकी की मम्मी मेरी मम्मी की एकमात्र बेटी है हाउ इज करण रिलेटेड टू रॉकी भाई करण रॉकी का कौन है मामा है भाई अरे भाई मामा है दैट इज अंकल बेटा अगर साइकिल बाइक कार और एरोप्लेन दिया रहेगा तो नॉर्मली बेटा हम लोग एरोप्लेन ही करते हैं क्योंकि एरोप्लेन आसमान में उड़ता है बाकी साइकिल कार और बाइक ये बेटा हमारा जमीन पे चलता है लेकिन इसमें भी बेटा एक ऑप्शन है यहां पे कि साइकिल बाइक और एरोप्लेन ये सभी के सभी सॉरी कार बाइक और एरोप्लेन इन सबको चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता हो होती है लेकिन साइकिल बेटा फ्यूल के बिना ही चलता है तो यहां पे भी बेटा आप बोल सकते हो कि साइकिल भी करेक्ट आंसर होगा बट इंस्टीट्यूट इस तरह से नहीं करेगा कंफ्यूजिंग आंसर आपसे नहीं पूछेगा आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा अगर हो गया तो जल्दी से 62 नंबर करो गैस yes, खुशी बेटा क्लियर हो गया आपका सिंपल देखो बेटा 24 और 28 में फोर का गैप अगर हम यहां पे 36 मानते हैं तो 28 और 36 में एट का गैप जो कि फोर का डबल है कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए देखो क्या 36 और 52 में एट का डबल 16 का गैप है यस अभी लास्ट कन्फर्मेट्री टेस्ट एक बार और कर लो 16 का डबल 32 क्या 84 और 52 का डिफरेंस थर्टी टू आ रहा है यस yes, बिल्कुल आ रहा है सो हियर थर्टी सिक्स इज द करेक्ट आंसर बोल रहा है लुक क्लोजली एट द लेटर पैटर्न एंड चूज द सीरीज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन दैट विल करेक्टली फिल द ब्लैंक एट द एंड ऑफ द सीरीज जल्दी से देखो बेटा इसको अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो देखो एफ और जी का ठीक उल्टा एफ ए जी का ठीक उल्टा जी ए एफ अब एच ए आई का ठीक उल्टा आई ए एच तो जे ए के का ठीक उल्टा के ए जे ऑप्शन ए के ए जे दैट इज ऑप्शन ए सर सर बताना बेटा क्लियर हो गया कि नहीं यस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री भी क्लियर हो गया बेटा सिक्सटी फोर देखो बेटा अरेंज करना है मीनिंगफुल सीक्वेंस में लीफ है फ्रूट है स्टेम है रूट है और फ्लावर है तो देखो बेटा सबसे पहले क्या होता है रूट से स्टेम स्टेम से क्या आएगा यस yes, जल्दी से देखो बेटा वेरी गुड स्टेम से लिफ लिफ से फ्लावर और फ्लावर से फ्रूट इट मीन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रूट से बेटा स्टेम आता है स्टेम से बेटा लिफ आता है उसके बाद फिर उसके बाद फ्लावर आते हैं और फ्लावर के बाद बेटा फ्रूट आता है ये ग्रोइंग प्लांट का ऑर्डर है सबसे पहले हम लोग जमीन में हम लोग कोई भी चीज हम लोग देखते हैं रूट रूट से स्टेम स्टेम से लीफ लीफ से फ्लावर और फ्लावर से फ्रूट आई होप एकदम अच्छे से क्लियर हो गया बोल रहा है ए एंड बी आर ब्रदर्स मान लिए ए और बी भाई भाई सी एंड डी आर सिस्टर कहां लिखेंगे नहीं पता एज सन इज दिस ब्रदर अब पता चल गया ए का बेटा डी का भाई है मतलब और डी ए के नीचे वाले जनरेशन में पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी भाई बी सी का कौन है सिंपल सा बात है बी सी का कौन है अंकल है अंकल ऑप्शन ए बहुत सुंदर बहुत सुंदर वेल्डन well सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया वेरी गुड निधि स्नेहा सोनल वेल डन बेटा जल्दी से सम नंबर सिक्सटी सिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी से थर्टी सेकेंड का टाइम दे रहा हूं फटाफट बनाओ नहीं नहीं बोल रहा है ए इज द सन ऑफ सी वाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर्स टू वन अनदर, ध्यान देना सी का बेटा कौन है ए है सी और क्यू सिस्टर्स है जेड इज द मदर ऑफ क्यू जेड क्यू की मम्मी है पी इज द सन ऑफ जेड जेड का बेटा कौन है पी है इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है पी इज अंकल ऑफ ए बिल्कुल सही पी ए का मैटर्नल अंकल है बिल्कुल सही जवाब का कजन है नहीं जेड सी का भाई है गलत जेड सी की जेड सी का भाई बिल्कुल नहीं है और क्यू ए का ग्रैंडफादर है बिल्कुल गलत सो ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मैन सेड टू लेडी सिक्सटी सेवन जल्दी से देखो अमैन सेड टू लेडी ये लेडी हो गई द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर लेडी का एक मात्र भाई उसका बेटा इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ मेरी वाइफ का भाई है मतलब मैन इस जनरेशन में पूछ रहे वॉट इज द लेडी टू मैन भाई ये लेडी कौन है इस मैन की ससुर की बहन Sister of father in law, sister of father in law, lady का भाई, उसका बेटा, उसकी बहन, मेरी पत्नी। इसका मतलब मेरे ससुर की बहन कौन होगी? Sister of father in law, 68. What will come in place of question mark? 6, 11, 21, 36, 56. इन दोनों में 5, 10, 15, 20. तो इसके बाद 25 का गैप 56 plus 25 देखो कितना हो रहा है? 81. यस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर क्या बात है जल्दी से सम नंबर 69 280 ऑरेंजेस को डिवाइड करना है अमंग सम बॉयज एंड गर्ल टोटल नंबर 50 है फिर से वही वाला सम बॉयज को पांच गर्ल को सेवन किए थे ये वाला सम 15 इनटू सेवन प्लस 35 इनटू <coughs> 105 फाइव प्लस वन एंड द रिजल्ट इज 280. टू ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर तो जल्दी से आज का लास्ट सम में आ जाते हैं हम लोग ये रहा लास्ट सम स्क्रीन पे आप सभी के सामने ये रहा लास्ट सम स्क्रीन पे आप सभी के सामने दट इज सम नंबर 70. यस थर्टी सेकेंड का टाइम दे रहा हूं जल्दी से इसका आंसर बोलो द कैलेंडर फॉर द इजेंड फाइव इज द सेम एज फॉर द ईयर दो हजार पांच का जो कैलेंडर है वो दिए हुए कौन से ईयर में सेम टू सेम कैलेंडर शो करेगा जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बेटा जल्दी से बताओ याद होगा बेटा मैंने आप लोग को बताया था ऑड ईयर और लीप ईयर दोनों के लिए प्रॉपर्टी बताया था मैंने ऑड ईयर में कब सेम होता है लीप ईयर में कब सेम होता है वेल डन प्रिया बेटा वेल डन सोनाली नोटिस करो बेटा ऑड ईयर में कोई भी कैलेंडर जो है आफ्टर सिक्स और 11 ईयर सेम कैलेंडर रिपीट करता है तो 2005 में सिक्स ऐड कर रहे हैं तो 2011 दिख रहा है लेकिन 11 करने पे 2016 नहीं दिख रहा है सो यर ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अभी कोई बच्चा मेरे को बताएगा अभी कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि ली ईयर में कोई भी कैलेंडर अपने आप को कितने साल में रिपीट करता है यस लीप ईयर में कितने साल में कोई कैलेंडर रिपीट करता है जल्दी बताओ सुपर वेरी गुड डन लीप ईयर में कोई भी कैलेंडर अपने आप को आफ्टर ट्वेंटी एट ईयर्स रिपीट करता है तो ईमानदारी से सच सच बताना बेटा कि एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं और आज का सेशन बेटा कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए तो बस आज के लिए इतना काफी है विश यू ऑल वेरी गुड लक गॉड